हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल गुरु। आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि 5 पिन सॉकेट और एक स्विच का वायरिंग कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इलेक्ट्रिक संबंधित सभी प्रकार के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस बोर्ड को घुमा लिया हूँ और ये मेरा 2 टर्मिनल है, ये न्यूट्रल है और ये फेज टर्मिनल है। तो सबसे पहले मैं फेज टर्मिनल का कार्य करूंगा, तो उसके लिए मैं पीला कलर का एक वायर ले लिया हूं जो स्क्रू ड्राइवर के सहारे फेज वाले टर्मिनल पर मैं लगा करके कस दिया। उस केबल को एक हिस्से को हम सीधा लेकर के चले जाएंगे जो उसके बगल में स्विच है, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में। स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हम उस केबल को लगा करके स्क्रू ड्राइवर के सहारे अच्छी तरह से कसेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद इस बोर्ड से मेरा न्यूट्रल और फेज वायर को बाहर निकालना है। तो सबसे पहले मैं न्यूट्रल वायर बाहर निकाल ले रहा हूँ, जो मेरा 5 पिन का न्यूट्रल टर्मिनल है उसके न्यूट्रल वाले टर्मिनल को, उस केबल को कस करके मैं न्यूट्रल वायर को बाहर मैंने निकाल दिया जो ब्लैक कलर का वायर है। और ठीक उसी प्रकार मैं एक रेड कलर का वायर लूंगा या पीला कलर का, तो मेरे पास पीला तार अवेलेबल है। मैं वो केबल को लेकर के मैं स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में मैं उसे लगा करके स्क्रू ड्राइवर के सहारे कस लिया हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा बोर्ड का वायरिंग बिल्कुल फाइनल हो चुका है। तो मैं इस बोर्ड को अच्छी तरह से कस दे रहा हूँ और जो केबल जो आपको दिखाई दे रहा है वो न्यूट्रल और फेज वायर है। इस केबल को मैं कसने के बाद मैं इस बोर्ड को चेक करने जा रहा हूँ, तो मैंने स्विच को ऑन करने जा रहा हूँ। तो देखिए, मेरा मोबाइल चार्ज होने लगा है, तो इसका मतलब है कि मेरा बोर्ड बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इलेक्ट्रिक संबंधित सभी प्रकार के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।